नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों पेश है एक और सबसे अलग सबसे यूनिक रिपेयरिंग वीडियो। दोस्तों जब हम कोई नया मॉस्किटो किलर बैट यूज करते हैं तो वह 1 से 2 महीने के बाद से ही उसके जाली पे जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरी जाली पर धूल और जंग लग जाता है, जिस कारण से हमारा मॉस्किटो किलर बैट प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देता है और जाली में जंग लगने के कारण ठीक से स्पार्क न होने से मच्छर जाली में फंसा रहता है या निकल कर भाग जाता है, मगर मच्छर उसमें मरता ही नहीं है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं मॉस्किटो किलर बैट की जाली का रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं, अगर आप उस तरीके से मॉस्किटो किलर बैट की जाली का रिपेयर करते हैं तो आपका मॉस्किटो किलर बैट फिर से न्यू ब्रांड हो जाएगा और फिर से काम करना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको इस मॉस्किटो किलर बैट को प्लग में लगा कर दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मॉस्किटो किलर बैट है उसका जो इंडिकेटर है वह जल रहा है। इसका अर्थ है दोस्तों इसका जो सर्किट है उस पर पावर सप्लाई आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हैंडल का कवर है उसे इस प्रकार से खोल लेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं इसका जो टूपी है दोस्तों, आप देख सकते हैं उसमें जंक लग चुका है और इसका जो बैटरी है दोस्तों आप देख सकते हैं उसमें एसिड निकल आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों यह कुछ में से यूं ही पड़ा हुआ था जिस कारण से इसमें एसिड निकल आया है और उसका जो वायर है बैटरी से जो निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो सर्किट है उसे हैंडल से बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम इसका जो जाली है उसे बाहर निकालेंगे और इस जाली का रिपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका जो सर्किट पर जो हैंडल था उसे निकाल लिया है। अब हम इस जाली कवर को इस प्रकार से उठाकर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से इस जाली का कवर है उसे खोल लिया है। तो दोस्तों आपको खोलने के बाद आपको बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो जाली होता है उसके किनारे में बहुत ही तेज धार होता है जिस पर आपको चोट लग सकता है। तो दोस्तों आपको इसका रिपेयर करते समय भी बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें तेज धार होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका जो वायर लगा हुआ है उसे इस प्रकार से निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें 3 वायर लगा हुआ होता है, 2 इसमें का येलो वायर है और 1 रेड वायर है। दोस्तों इसमें का जो रेड वायर है यह इसका पॉजिटिव वायर है और जो इसका येलो वायर है दोस्तों यह इसका नेगेटिव वायर है। तो दोस्तों हमने इसका जो जाली है उसे सभी को इस प्रकार से निकाल लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो प्लास्टिक का सभी कवर है उसे अच्छे से डिटर्जेंट से इसे क्लीन कर देना है अच्छे से। तो हम इसे ले जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं इसका सर्किट है और बैटरी से इसका जो वायर है निकल चुका है। तो दोस्तों इसका रिपेयर हम वीडियो के लास्ट में करके आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले हम ये जो हमारा जाली है आप देख सकते हैं इसमें काला काला पूरा जंग लग चुका है दोस्तों, तो हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। तो दोस्तों इसे क्लीन करने के लिए आपको इस प्रकार का रफ पेपर का जरूरत पड़ेगा, जिसपे हम इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक घिस कर इसे अच्छे से फिर से नए जैसे चमकाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे सावधानीपूर्वक घिसेंगे आराम से, और पहले हम एक तरफ को क्लीन करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम इसे पलटा कर दूसरे तरफ को भी इस तरह से क्लीन करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो मॉस्किटो क्लियर बैट का जाली है वह फिर से चमकने लग गया है, उसका जो जंक है दोस्तों वह निकल चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आपको धीरे धीरे आराम से इसका जो बाकी का 2 जाली और है उसे भी हम आपको क्लीन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो जाली है वह फिर से नए जैसे लगने लग गए। तो हम आपको इसका जो बाकी का और जाली है उसे क्लीन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका जो बाकी के सभी जाली थे उसे अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, यह फिर से नए जैसे चमकने लग गए हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसका जो जाली है उसे अच्छे से क्लीन कर लेने हैं इस प्रकार से। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम जो इसका जो प्लास्टिक कवर है उसको आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमें इसे भी अच्छे से डिटर्जेंट की सहायता से अच्छे से क्लीन कर चुके हैं, यह भी पिछले नए जैसे हो चुका है। तो दोस्तों हम इसका जो जाली है उसे इस कवर में लगाएंगे। तो हम नीचे वाला जो कवर दोस्तों इस प्रकार से रख लेते हैं, उसके बाद हम एक जाली लेंगे जो बड़ा वाला जाली है बड़ा हॉल वाला, उसे इस प्रकार से रख लेना है और अच्छे से दोस्तों चारों तरफ से देख कर सेट कर लेना है। और सेट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, इसमें इसका जो वायर है दोस्तों उसे हम सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों सर्किट पे जो इसमें 2 येलो वायर है जो उसमें का 1 नीचे लगा था 1 ऊपर लगा था, तो इसमें हमने 1 वायर को जोड़ लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो कवर है उसे इस प्रकार से लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो छोटा जाली है जो छोटा होल वाला जाली है उसको इस प्रकार से अच्छे से सेट कर देना है, और सेट करने के बाद दोस्तों इस पर जो रेड वाली वायर है दोस्तों उसे हम इसमें सोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका जो वायर है उसे सोल्डिंग कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो अगला कवर है उसे
अच्छे से लगाकर सेट कर देंगे इस प्रकार से। अब इसका जो लास्ट वाला जाली है दोस्तों, उसे भी इस पर हम लगाएंगे और इसे भी हम चारों तरफ से अच्छे से इसे सेट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसका जो आखिरी वायर है दोस्तों, जो येलो कलर का वायर दूसरा वायर, उसे हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का कवर लगाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों हमें इसका हैंडल का जो कवर है उसे इस प्रकार से लगा लेना है, और उसके बाद इसका जो जाली कवर है उसे इस प्रकार से लगा देना है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों इसे लगा दिया है। अब इसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, प्रेस करके आपको इसका जो जाली कवर है उसे लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो सर्किट है उसे हम हैंडल पे स्क्रू लगाकर सेट कर देते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों इसका जो ऊपर वाला कवर है दोस्तों, उसको हम लगाएंगे। तो उससे पहले आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है, क्योंकि दोस्तों यह जो मॉस्किटो के लिए बैट था पिछले 2-3 महीनों से यूं ही पड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात दोस्तों, इसका जो बैटरी के अंदर जो केमिकल होगा वह सूख गया होगा, या इसका जो केमिकल है यह मोटा हो गया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे। तो दोस्तों इसका जो कवर है बैटरी का, उसे हम इस प्रकार से निकाल लेंगे और हम थोड़े से डिस्टिल वाटर लेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्टिल वाटर ले लिया है, और इसे डालने के लिए इस प्रकार का सिरिंज की सहायता से इसे वाटर को खींचेंगे और इस बैटरी के होल के जरिए इस वाटर को डालेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्टिल वाटर इस बैटरी में डाल चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बैटरी को इस प्रकार से लकड़ी के घुटके से ठोकेंगे। दोस्तों आपको सावधानीपूर्वक ठोकना होगा ताकि इसका जो बैटरी है वह फटे ना। दोस्तों इसे हम ठोक इसलिए रहे हैं कि इसका जो केमिकल होगा वह डिस्टिल अच्छे से घुल मिल जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बैटरी का वायर है उसे हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। और सोल्डिंग कर लेने के बाद दोस्तों हम ये जो बैटरी है और इसका जो 2 पिन है उसे यहाँ पर सेट करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो तो इसका जो सर्किट है और बैटरी उसे सेट कर लिया है। हम इसका कवर है उसे लगाकर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो मॉस्किटो क्लियर बैट है वह फिर से नए जैसा न्यू ब्रांड हो चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें पहले जैसे नए जैसे चमक आ चुका है। तो दोस्तों यह पहले किस तरह से दिख रहा था हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, यह पहले इस तरह सा था, अब इस तरह का हो गया है। तो दोस्तों हम आपको इसे आधे घंटे चार्ज करके दिखाएंगे। आपको दिखाने के लिए आधे घंटे चार्ज करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसे आधे घंटे चार्ज कर लिया है, मगर हम इसे बाद में 2-3 घंटे चार्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इसमें स्पार्क करा के आपको दिखाते हैं। तो यह देख सकते हैं दोस्तों, आप फिर से इसमें स्पार्क होने लगा है। इसका जो प्रत्येक खोल है दोस्तों, वहाँ पर स्पार्क हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, आप अपने पुराने बैडमिंटन या जंग लगे हुए जाली होता है इसका, उसका रिपेयर इस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।